उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन के गज द्वार में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत तमाम गणमान्य रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों, शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहयोग करना है योजना का मुख्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि के पहले चरण को राष्ट्र को किया समर्पित। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का नाम है यशोभूमि। यशोभूमि विश्व के सबसे बड़े MICE गंतव्य में से होगी एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत। 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। सरकार की योजना और उपलब्धियों के बारे में लोगों को दी जाएगी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा, हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में लिया भाग। मुक्ति संग्राम के शिल्पकार सरदार पटेल को किया नमन, कहा जाने अनजाने शहीदों की गाथाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है उद्देश्य। संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर रहेगा जोर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे उद्यमों और कौशल आधारित श्रमिकों को गारंटी मुक्त कर्ज योजना देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना के लिए 40 करोड़ रुपए किए गए निर्धारित। ब्राजील के उत्तरी एमेजोनस राज्य में विमान दुर्घटना, 14 की मौत। हादसे में अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की भी खबर। राहत व बचाव कार्य जारी। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज। डायमंड लीग फाइनल में नीरज को मिला रजत पदक।